नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में होम्योपैथिक सिरप बताने वाला हूँ फीवर के लिए, जिसे हम बुखार बोलते हैं। बच्चों को बुखार जब लग जाता है तो हमें कौन सी अच्छा होम्योपैथिक सिरप देनी चाहिए ताकि जल्दी ही बुखार ठीक हो जाए। दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हैं कि लू बहुत ही ज़्यादा चल रही है, यानी गर्मी का मौसम ज़्यादा चल रहा है और इसमें बुखार होने के चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 से 4 होम्योपैथिक सिरप अलग अलग कंपनी की ब्रांडेड बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी सिरप को यूज करने से आराम मिल जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यह सिरप है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं डॉक्टर जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बुखार क्या है। बुखार क्या है? शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर का तापमान बढ़ना बुखार होता है। दोस्तों, शरीर का जब सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, बुखार यानी फीवर दो तरह से नापा जाता है। एक तो नापा जाता है फ़ारेनहाइट में, एक नापा जाता है सेल्सियस में। जब बुखार 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसे हम कहेंगे कि बुखार हुआ है। यही सेल्सियस में यदि आप नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस में यानी बताता है बुखार, तो उसे हम कहेंगे कि बुखार यानी हुआ है। इसके साथ जब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो उसे हम कहेंगे कि बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ है और इसे हमें इलाज की ज़रूरत है। यही सेल्सियस में नापेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस हो बताता है, यानी जो नापने वाला टेम्परेचर होता है उसमें आता है, तो कहेंगे कि इसे बुखार हुआ है और इसे जल्दी इलाज की ज़रूरत है। तो इसे ही बुखार, ऐसे ही बुखार को नापा जाता है और हमें पता भी लगता है कि बुखार इससे हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी किसी को भी बुखार नापना है तो आप फ़ारेनहाइट में ही नापे, अधिक से अधिक फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है बुखार को, और सेल्सियस को तो जल्दी कोई नहीं नापता है। फ़ारेनहाइट में जल्दी बुखार को पता चल जाता है, यानी मालूम चल जाता है कि बुखार व्यक्ति को हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अभी अभी जैसे कि बच्चों का बुखार लू की वजह से बहुत ही जल्दी लग रहा है, तो हम चलते हैं कुछ होम्योपैथिक सिरप। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी आपको सिरप लेनी चाहिए बच्चों के लिए। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो सिरप आपको जरूर रखनी चाहिए फीवर के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कुछ होम्योपैथिक सिरप कौन सी लेनी चाहिए, लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन है जर्मन की, जिसका नाम है फीवर केयर एंड क्योर ड्रॉप के नाम से आता है। यह 30 ml की फाइल आती है, जो कि बच्चों की जो फीवर है जिसे ही आप देंगे उसे ही ठीक करने लगता है, तुरंत ही ठीक कर देता है। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव यह सिरप है। बच्चों को आप 10 बूंद थोड़े से पानी में डालकर 3 टाइम आपको देना है, सुबह में, दोपहर में, शाम को। यदि बुखार ज़्यादा है इसे 3 से 4 टाइम भी आप दे सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, यह ड्रॉप आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल या स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और काफ़ी यह इफेक्टिव यह सिरप है और बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये जर्मन की होम्योपैथिक यह सिरप है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो सिरप है बैक्सोन कंपनी की फेवो एड सिरप के नाम से आता है। दोस्तों, यह सिरप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको भी देने का सेम तरीका है जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताए हैं। इसको भी आप 10 बूंद थोड़े से पानी में डालकर 3 टाइम आपको देना है, सुबह में, दोपहर में, शाम को। दोस्तों, यह काफ़ी इफेक्टिव यह सिरप है और बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है फीवर में। कोई भी आपको बुखार की समस्या है, बच्चों को ज़्यादा बुखार हो, मलेरिया बुखार हो या टाइफाइड हो, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, यह इफेक्टिव क्योंकि कहा जाता है क्योंकि यह बैक्सोन कंपनी की बहुत ही बेस्ट यह सिरप मानी गई है और बुखार को तुरंत ही ठीक करता है। इसलिए इसे मैंने 2 नंबर पर रखा है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा काम करता है बुखार को कम करने के लिए। तो दोस्तों, यह बच्चों को आप दे सकते हैं। यदि बच्चा 10 साल से ज़्यादा है तो उसे आप 15 बूंद थोड़े से पानी में, आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर 3 टाइम आपको देना है, सुबह में, दोपहर में, शाम को। इसके बाद दोस्तों, तीसरा जो
होम्योपैथिक सिरप है, ये एलेन कंपनी की फेवर ड्रॉप के नाम से आता है, जो कि ये जो नंबर है A33 यानी A33 नंबर पर आता है, और यह भी फीवर के लिए यानी बुखार के लिए बहुत ही बेस्ट यह सिरप है, क्योंकि ये एलेन कंपनी की जो आती एलेन कंपनी इसे बनाता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव यह सिरप है, और इसका भी इस दवा का भी बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं, और ये भी दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल या स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसे भी देने का सेम तरीका है। तो दोस्तों चौथा नंबर पर मैंने रखे हैं एलेन कंपनी का ही फीवर सिरप के नाम से आता है, और ये भी सिरप बुखार के लिए बहुत ही बेस्ट यह सिरप है, और इससे भी देने का तरीका सेम है। 10 से 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर 3 टाइम आपको देना है। बच्चे बड़े हैं तो इसे 10 से 12 बूंद आधे कप पानी में डालकर 3 टाइम देना है, या बच्चे छोटे हैं 5 साल से कम हैं, उसे भी बुखार लगा है 5 साल से कम के बच्चे हैं, या 5 साल के हैं तो इसे 5 बूंद थोड़े से पानी में डालकर 3 टाइम आप दे सकते हैं, या नज़दीकी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उससे आप सलाह भी ले सकते हैं, दिखा सकते हैं ऐसा उनके पास कोई सिरप है तो आप लेकर यानी अच्छे से जानकारी लेकर आप दे सकते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन डाला हुआ है, जो कि बुखार के लिए बहुत ही बेस्ट यह सिरप है। एलेन कंपनी की यह फीवर सिरप आता है और बहुत ही इफेक्टिव है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो होम्योपैथिक होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको जितना भी होम्योपैथिक सिरप बताए हैं ये सभी ब्रांडेड हैं और बहुत ही अच्छा काम करता है यह बुखार में। तो दोस्तों यदि आपके घर में बच्चे हैं तो इसमें से कोई भी सिरप आप रख सकते हैं, या सभी सिरप भी आप रख सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बुखार तुरंत ही जल्दी ठीक हो जाता है इन सभी सिरपों से। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।